कच्चा है, अब न दूंगी बलम पेट में बच्चा है। नीली है सलवार नीला कच्चा है, अब न दूंगी बलम पेट में बच्चा है। मैं रिया करने वाली हूँ ऑन डैन कैरियर मीम्स बाय मीम पुस्तक। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मुरली नायको, वेलकम टू माय चैनल लिखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। हे दोस्तों, क्या हाल चाल, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, प्लीज इसे सीरियसली मत लेना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हर्षल भाई, हाँ, छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया? हाँ। ट्रैफिक में डाल दे गाड़ी। वो दोनों लड़कियां कैसे मस्ती चल रही है? और मैं बताना चाहता हूँ, नाना जी जिंदा है, नाना जिंदा है हमारे दिल में। ये क्या चल रहा है, इन लोग का टॉपिक मुझे नहीं समझ आ रहा। पिछले दोस्त ने 10th के बाद अगली स्ट्रीम ले ली। ये म्यूट क्यों हो गया है? इनको कुछ कॉपीराइट का इशू आ गया है शायद, तो ये म्यूट है। क्या बोल रहे होंगे ये, आपको कोई अंदाजा? क्योंकि ये फेमस मीम होगा कोई ना कोई। कमेंट में बता दो क्या बोल रहे हैं अगर आपको पता होगा तो। यार इतना बड़ा म्यूट कर दिया यार, इतना लंबा अंदाजा। आज तारीख क्या है? आज 10 तारीख है सर। आने वाली पहली तारीख तेरा आखिरी दिन होगा। म्यूजिक ऑफ। ए मोना सुनो सुनो, अगली पहली तारीख मेरा आखिरी दिन होगा कह रहा है। वन मिनट, स्टोरी बढ़िया है, बोल। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा। और 1 तारीख को तो फिनिश। कच्चा है, अब न दूंगी बलम पेट में बच्चा है। नीली है सलवार नीला कच्चा है, अब न दूंगी बलम पेट में बच्चा है। सॉन्ग राइटर और क्या? शादी के समय में आप अपने ससुर जी को, फादर इन लॉ को, एक ईमेल 2 लाइन का सिर्फ ज़रूर लिखे कि ससुर जी आपने जो भी मुझे गिफ्ट्स दिए हैं और अपनी डॉटर को दिए हैं, थैंक यू, और आपके लव एंड अफेक्शन के लिए हम आभारी हैं। और दूसरी लाइन में लिखे कि मैंने या मेरे फैमिली मेम्बर्स ने किसी ने भी डाउरी या दहेज नहीं मांगा है, कृपया इस बात को कन्फर्म करें। और उधर से एक ओके मंगा लें। और जैसे ही आप ओके मंगा लेंगे तो आपके पास एक थ्रेड आ जाएगा जो आपकी इम्यूनिटी बनेगा। खाली पीली में आपके ऊपर कोई दहेज का केस होगा नहीं। मैं जानता हूँ मुझे बदलना पड़ेगा, लेकिन बदलने का फैसला करने पर भी मैं कभी बदल नहीं पाता। शायद मुझे पक्का फैसला करना चाहिए और उस पर अमल करना। चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, लेकिन मुझे दुनिया से और उसके लोगों से बहुत दूर रहने का मन करता है। इतना दूर कि जहाँ पर बहुत सारी शांति हो और कोई भी मुझे परेशान ना करे। बसंत का मौसम बीत गया, एक और मौसम चला गया, पर मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। अरे आप सब लोगों ने कुछ पी लिया है क्या? हा? जिसे देखो वो किस किस का रागा लगता जा रहा है। किस करो, किस करो। तरीका नंबर 1, अफ्रीकन जड़ी बूटी मोम्बोलिना चबा चबा कर खाने से हंसते हंसते मौत आ सकती है। कितने की है? $39.99।
बहुत महंगी है। ओके ये फ्री वाला सच। ये लड़का इतना सुंदर है कि वो अपने स्कूल में हेलमेट पहनकर जाता है और चुपचाप से पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। तभी क्लास के कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं। जब टीचर वहाँ पर आई तो वो उस लड़के को हेलमेट में देखकर काफी हैरान हो जाती है और उसको हेलमेट हटाने के लिए बोलती है। अब उस लड़के के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो न चाहते हुए भी अपना हेलमेट उतार देता है। उसका हसीन चेहरा देखकर टीचर को चक्कर आ गए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि टीचर के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि वो मौत को छुके टक से वापस आई है। घबराहट में वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और एक नए स्कूल में एडमिशन ले लेता है, जहाँ पर सभी लोग पहले से ही बहुत खूबसूरत थे। वहाँ की लड़कियां तो किसी भी बदसूरत लड़के को अपने स्कूल में घुसने तक नहीं देती थी। इसलिए जब वो लड़का हेलमेट पहनकर स्कूल में घुसता है तो पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाते हुए हेलमेट हटाने के लिए कहता है। जैसे ही उस लड़के ने अपना हेलमेट उतारा, वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। लड़कियां उसके प्यार में पागल होने लगी। किसी की नाक से खून बह रहा था तो कोई लड़की तो सिर के बल खड़ी हो गई थी। अब ये खबर सारे न्यूज चैनल पर दिखाई जाने लगी और वो लड़का देखते ही देखते काफी फेमस हो गया था। उसके घर के बाहर लड़कियों की लंबी लाइन लग जाती। Probably heavy metal or hard rock. No hard rock. Deva, saal se saal ek saath hai. इनको कितना रेट करोगे आप? 10 में से. 10. Wow. भाई आपने फोटो बहुत जल्दी की थी, आपकी फोटो 10/10 मिले आपको। पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, लुक अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस है। चलो भाई 10/10 नंबर मिलेगा आपको, बहुत बहुत। और आखिर नोबिता और शिजुका होंगे कहाँ पर? आह वो रहे, वो ये तो डोरेमोन है। अब मैं क्या करूँ, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। Sunrisers Hyderabad versus Kolkata Knight Riders tomorrow at 3 p.m. live, and Mumbai Indians versus Gujarat Lions live at 7:30 p.m. Extra innings T20 mein. माँ पापा, माँ को प्यार में डाल दो यार। प्यार प्यार तो है भाई। पापा अच्छे में डाल देते हैं। अच्छे में डाल देता भाई। चाची चाचा चाची किसमें करें भाई? भाई चाचा चाचा को रखो, सही कर दो। चाचा सही होते हैं, चाचा सही होते हैं। और चाची होती है खूब घोर कलेजी, घोर कलेजी। अच्छी मौसी को मौसी को प्यार में डालो भाई, प्यार से। मौसा थोड़े से मौसा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, ज्यादा भी बोलते हैं। छोटा भाई मेरे को नहीं जाता, क्यों नहीं जाता भाई ये लौटना। बड़ा भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई सही है, अच्छे में अच्छे में डालो भाई। पैसे पैसे कहाँ से लेगा भाई? छोटी भाई तो भाई कलेजी कलेजी वाली चुगली करती है। बड़ी बहन सही है, बड़ी सही है, सही है। चलो बड़ी बहन, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। पुस्तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। सबसे ज्यादा लाइक कर दो इस वीडियो पे कंपेयर टू बाकी सारे वीडियोस को, वीडियोस से ज्यादा इस पे लाइक कर दो, फिर मैं मीम्स फटाफट लेके आऊंगी। बिकॉज आई नो ये आप लोगों का फेवरेट है, बट आप लोगों का रिस्पांस उस तरीके का नहीं होता है ताकि मैं फटाफट लेके आऊ। अगर आप मुझे अच्छा रिस्पांस दोगे तो मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आ सकती हूँ एक टॉपिक पे। तो आप लाइक कमेंट नहीं करोगे तो वो मिस ही हो जाता है। ये क्या है, नीली है सलवार वाला गाना, और ये नोबिता शिजुका क्या कर रहे थे? मतलब हम जो कार्टून देखते थे वो थोड़ा शायद अलग था और आजकल जो ये कार्टून चल रहा है ये शायद थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, नहीं ऐसे नहीं लग रहा आपको? और ये जो लास्ट वाला गेम ये खेल रहे थे, मुझे ऐसा क्यों लगता है, देयर आर लॉट मेनी पीपल जो मेरे से एग्री करेंगे कि सबको ही ऐसा लगता है कि पापा के साइड वाली फैमिली से बेटर है मम्मी के साइड वाली फैमिली। आप सब लोगों को ऐसा लगता है क्या? बिकॉज माइट भी वहां पे, मतलब ऐसा मेरे को लगता है वहां पे कोई प्रॉपर्टी वाली चीजें पे लड़ाइयां नहीं होती, शायद इस वजह से है या क्या रीजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। और वो लड़का इतना खूबसूरत है कि लड़कियां गिर जाती मर जाती, पर बापरे इतना खूबसूरत तो मैंने आज तक नहीं देखा। आपने देखा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले था, बाय।